योगी आदित्यनाथ मौजूदा समय में ये नाम सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नामों में से एक है। हो भी क्यों ना, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां कोई भी अपनी सत्ता लगातार नहीं चला पाया हो, ऐसे प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनना कोई आसान काम नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने जब से संसदीय राजनीति में कदम रखा है तब से उन्हें हार का मुँह नहीं देखना पड़ा है। साल 1998 में अपने गुरु महंत अवैद्यनाथ के उत्तराधिकारी के तौर पर 26 साल की उम्र में उन्होंने चुनावी राजनीति में कदम रखा। ये नाथ पंथ के सबसे बड़े केंद्र गोरखपुर की संसदीय सीट थी जिस पर एक दुबले पतले युवा सन्यासी को बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया गया था। फिर क्या था, योगी ने ना सिर्फ चुनाव जीता बल्कि अजय बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने की दिशा में अपना पहला कदम भी बढ़ा दिया था। राजनीति में प्रवेश करने के बाद योगी आदित्यनाथ कभी चुनाव नहीं हारे, लेकिन उनका जीवन हार से एकदम शून्य है ऐसा भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जब अजय सिंह बिष्ट थे और छात्र राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ा रहे थे तब उन्हें एक बार हार का सामना करना पड़ा था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चलिए आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल ये बात है साल 1992 की, जब अजय सिंह बिष्ट कोटद्वार के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में सचिव के पद पर वो निर्दलीय चुनाव में उतरे थे और यही वो चुनाव है जिसमें उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। योगी आदित्यनाथ की बहन कौशल्या के पति कोटद्वार की छात्र राजनीति में काफी एक्टिव थे, हालांकि वो वामपंथी विचारधारा को मानने वाले SFI के सदस्य थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की रुचि राजनीति में तो थी। लेकिन उनके जीजाजी ने उन्हें भी SFI में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन तब तक RSS की शाखाओं में जाना शुरू कर देने वाले अजय ने छात्र राजनीति के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ही चुना। वो ABVP में शामिल हो गए। उन्होंने स्नातक के द्वितीय वर्ष की पढ़ाई के दौरान सचिव पद पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। ABVP से टिकट की मांग की तो इनकार मिला। इसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ना स्थगित कर दिया। BSc की पढ़ाई के तीसरे वर्ष में अजय ने तय किया कि वो इस बार किसी भी सूरत में चुनाव लड़ेंगे। इस बार भी ABVP से टिकट की मांग की तो पता चला उनके एक सहकर्ता भी टिकट के उम्मीदवार हैं। दोनों में खींचतान बढ़ी तो संगठन के पदाधिकारियों ने तीसरे छात्र दीप प्रकाश भट्ट को टिकट दे दिया। योगी इससे काफी नाराज हुए और बागी बनते हुए निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इस चुनाव में ना तो ABVP का उम्मीदवार जीता और ना ही अजय सिंह बिष्ट। अरुण तिवारी नाम के एक शख्स को इस चुनाव में जीत मिल गई। अजय सिंह बिष्ट को अपने जीवन के इस पहले चुनाव में हार तो मिली, लेकिन यह हार उनके अजय राजनीतिक सफर की भूमिका साबित होने वाली थी। चुनाव में हार से अजय सिंह बिष्ट काफी व्यथित हो गए थे। इसी बीच उनके साथ एक और दुर्घटना हुई। उनके कमरे में चोरी हुई जिसमें उनके सभी शैक्षिक दस्तावेज भी चले गए। परेशान अजय ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद वो गोरखनाथ पीठ के महंत अवैद्यनाथ के पास मदद मांगने गए। यहीं से ऐसे घटनाक्रम बने जिसकी परिणति में अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ के रूप में उभर कर सामने आए। आपको बता दें कि अवैद्यनाथ के संपर्क में आने के बाद अजय ने नाथ पंथ की दीक्षा ली। इतना ही नहीं, वो पीठ के उत्तराधिकारी भी बने। साथ ही अपने गुरु अवैद्यनाथ का राजनीतिक उत्तराधिकारी बनकर 1998 से लेकर 2017 तक लगातार संसद में योगी आदित्यनाथ के नाम से गोरखपुर का प्रतिनिधित्व किया। और आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ राजनीति के एक वो चट्टान है जिसे चीरना शायद असंभव हो चुका है।